खाने का प्रोग्राम स्पेशल उनके लिए है, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। ओहो, आई मिस यू वकर, इसलिए कि तुम हमारा एक क्राइम पार्टनर थे। क्राइम पार्टनर क्या हो तुम, क्या बोलते हैं क्रेजी को, क्रेजी को उर्दू में क्या, साइको, पागल, वो जो फनी फनी, अच्छा ये मजा ही आया। हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ भाई साहब। अच्छा जी, तो हम निकल आए हैं कहाँ पर? तो हम निकल खालिद से सुनीग्राम की एरिया की तरफ। यहाँ पर मौजूद है सुनीग्राम की नदी, कह सकते हैं आप, थोड़ी सी नदी है, खूबसूरत सी जगह है, रास्ता थोड़ा सख्त और कठिन है, जो उतराई है फिर चढ़ना भी है ना, तो फिर चढ़ाई बन जाती है, ये तो सख्त है और ये पेट्रोल का बेड़ा गर्क कर देती है और मोटरसाइकिल का भी, फिर भी चलते हैं शेयर करते हैं। दाएं तरफ पर जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत बस अच्छा है, सर सब शादाब, शादाब तो नहीं है लेकिन कहते हैं कहते हैं माशाल्लाह बहुत ही, सामने का नज़ारा भी बहुत ही ज़्यादा उम्दा, बेहतरीन और पुरकशिश है। और ये हम उतर रहे हैं चढ़ाई से नीचे की तरफ। हाँ, और ये भी हम जब उतरेंगे तो एक पुल है जो अभी नज़र आने लगा है थोड़ा थोड़ा, ये है पुल, बहुत ही खूबसूरत सा पुल है यार, जिसने भी बनाया यार बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार है। ये बनाया है पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिसकी एमपीए ने बनाया हो लेकिन पैसे हमारे गए थे। अब आराम आराम से, पहले जब हम इससे पहली दफा पास हो रहे थे ना, तुम्हें याद है इसमें थोड़े चुरा से पड़ गए हैं, या तो किए गए होंगे या पड़ गए होंगे, पता नहीं, इतने गोल गोल है मेरे ख्याल में ये किए गए हैं, तो मैं कह रहा था कि इतना पतला स्टील लगाया गया है तो हम डूब ही न जाए। ये नदी का नजारा थोड़ा दिखा दे, अच्छा जी, अच्छा ये नदी का किनारा है, नदी का किनारा है, गरीबों का बीच है, गरीबों का बीच है, वहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं, तुमने ये नज़ारा दिखाना है जरूर। अच्छा निकाले, अब शायद ही होल्ड कर लें इसको, फिर नहीं थोड़ा थोड़ा हिलना तो बनता है ना, हम बाइक पर ट्रेवल कर रहे हैं, रोड भी ऐसा है जी, और ये रोड तो नहीं, ये नीचे दिखा तो लो, ये तो हम गरीबों का रोड है, ये रोड है ही नहीं, ये तो हम नदी के किनारे किनारे चल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर रुकते हैं कि वहाँ चलना है, आगे जाओ तो आगे जाना है, आइए की चले बहुत ज़्यादा यार, स्लिपी ना हो जाए, आराम से आराम से चले, आपकी फरमाइश पूरे करने की कोशिश। वहाँ पर हमारी यूजुअली बैठने की एक जगह है, बहुत ही ज़्यादा हमवार सा पत्थर वहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये हम चल रहे हैं ये टायर की तरफ, ये नदी का बिल्कुल ही किनारा है, किनारा है नदी का किनारा है। मैं क्या बोल यार, मुझे तो आज कुछ भी समझ नहीं आता है, क्यों हम जहाँ रुकने लगे, और वो तो जो पुल सामने है इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन की है, लेकिन मालूमात नहीं है कि किस एमपीए में ने बनाया है। चले छोड़े जाने दे, मेरे ख्याल में ये एमएमए के दौर में बना था, इसके जो इसके दौर में भी बनाया है, बस हाँ, अच्छा बस है, अच्छा है, लोगों की जरूरत पूरी करते हैं ना। हाँ, ये है हमारी यूजुअली बैठने की जगह, अक्सर जब यहाँ आते हैं तो यही पर ही बैठे हैं, वो अवेश भाई की जगह है बैठे हैं, ये पत्थर जो है ना ये मेरा है, और ये जो ये वाला है ना ये इमारत की है, बैठता हूँ यहाँ पर, लोग अक्सर नमाज भी पढ़ा करते हैं, और ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक है यार, क्या हुआ, सनलाइट सनलाइट इसी तरफ है इसलिए वो,
इसी तरफ है। गलत ओरिएंटेशन से। अच्छा तो एक शेर बताओ अपने लोगों के लिए। कौन सा शेर बताओ? गनी खान बाबा, जो भी शायर आपको पसंद है उसके एक शेर सुना। गनी खान बाबा की दो लाइन एक गजल से कह लेते हैं। वो कहते हैं कि लंडदा की गनी खाना पुमा ग्राना गनी खाना। अच्छा, लंडदा की गनी खाना पुमा ग्राना गनी खाना, चाची जान खावरे गणले तिल कमाल मिले। अच्छा, इसका मतलब ये जो लोग खुद को हाई फाई नहीं समझते, वो जो मिट्टी से लोग होते ना, अच्छा, वो कहते ना कि मिट्टी बन, वो कमाल पाते हैं यार, उरूज वही लोग पाते हैं। डाउन टू अर्थ लोग जो होते हैं ना, वो कामयाबी हासिल करते हैं। और जो लोग एटीट्यूड, एरोगेंस, ये चीज़ें दिखाते हैं, मगरूर होते हैं, वो जवाल का निशाना बनते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी चीज पर गुरूर न दिखाए। अच्छा, और बताओ। और वो पहाड़ी के इलाका तुमने दिखाया, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सीनरी है वहाँ यार। गुनेर के जो पहाड़ है ना, बहुत ही ज्यादा उमदा है। और एक और बहुत बेहतरीन बात गुनेर के पहाड़ों के हवाले से कि ये बहुत ही बेहतरीन मार्बल प्रोडक्शन सेंटर भी है। यहाँ से जो पत्थर लिए जाते हैं ना, उसे बेहतरीन मार्बल बनाए जाते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। अब ये तुम्हें पकड़ना होगा। हाँ, ये हमारे साथ मौजूद है अवेश भाई। मुझे तो कुछ पता नहीं है, ज्यादातर मालूमात नहीं है। किसके हवाले से? इस जगह के हवाले से। लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये जगह हम दोनों को बहुत पसंद है। हाँ, हम कई बार यहाँ पर पहले आए थे, अब भी आए हैं, लेकिन हम यूजुअली आते हैं ना, इंशाल्लाह यूजुअली इसलिए आते हैं कि जब कॉलेज से फ्री हो जाए तो ये जगह थोड़ी नजदीक सी भी है, तकरीबन 2-3 मिनट का रास्ता है। फेवरेट जगह है, यहाँ पर हम दोनों को आराम मिलती है। हाँ, हम लोगों की पसंदीदा जगह है ये, बिल्कुल। अच्छा जी, तो हम निकल आए हैं यहाँ सुनी ग्राम पर। बाइक को पीछे छोड़ कर आगे जा रहे हैं। बाइक को हमने वहाँ छोड़ दिया और हम चल रहे हैं थोड़ा आगे। बाइक में कुछ सामान, हाँ थोड़ा सा सामान लिया, बस अल्लाह खैर ही करे। नहीं, मेरा माल कोई चुरा नहीं सकता, ये हलाल माल है। यार देखो यार, ये नजारा दिखाओ यार, कितना खूबसूरत नजारा है यार। सा गंदम गंदम है यार, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गंदम की फसल है। ये रास्ता क्या पर जाता है तुम्हें? मुझे तो पता नहीं है यार, पता ही नहीं है, बस हम जा रहे हैं। यूजुअली हम वहाँ पर बैठते हैं, आगे हम आए ही नहीं है, ये पहली दफा है कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं। हम सवाड़ी बाजार से होकर आए हैं, वहाँ आज मेला लगा हुआ था और शदीद रश थी, हमारी लगी है। हाँ, भूख भी लगी है, हमने घर जाना है। यूजुअली हम यहाँ पर हमने नहीं लाया, इंशाल्लाह हम टुमारो इंशाल्लाह, टुमारो इज संडे एंड वी आर प्लानिंग टू गो आउट विद ऑल रिफ्रेशमेंट्स। हाँ, हम क्या करेंगे, हम सारी रिफ्रेशमेंट साथ लेकर जाएंगे, पानी लेकर जाएंगे, इसके अलावा खाने का बंदोबस्त तो दोनों नहीं कर सकते यार, दो लोगों में खाने जो है ना वो ज़्यादा सुर नहीं देता। लेकिन जब अबूबकर भाई आएंगे और बाकी दोस्त मिलकर जाएंगे तो फिर खाने का प्रोग्राम स्पेशल उनके लिए है, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। ओहो, आई मिस यू अबूबकर, इसलिए कि तुम हमारा एक क्राइम पार्टनर थे। क्राइम पार्टनर क्या हो, तो क्या बोलते हैं क्रेजी को उर्दू में, साइको, पागल, वो जो पनी पनी। अच्छा, ये मजा ही है। हाँ, बहुत ही ज़्यादा, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसकी बात है, हर किसी से वो दिल लगा लेता है, हर किसी से बात ऐसी करता है। नहीं जाना है, हाँ वो जो वहाँ पीजी की तरफ से औरतें आ रहे हैं, हमने पर्दे का थोड़ा ख्याल रखा। हाँ, ज़रूर ज़रूर, हया जो है ना वो ईमान का शोभा है, और जो लोग हया नहीं करते तो मेरे नबी का फरमान है कि उनके लिए पूरी इजाज़त है, पूरी छूट है कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा। मतलब वो ईमान के दायरे से आउट हो गए हैं, अब उनके लिए इजाज़त है, वो जो करना चाहे कर सकते हैं। तो इसलिए हमने स्पेशली ख्याल रखना है किस चीज़ का,
हया का, और साथ ही अपने कल्चर और कस्टम का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। जो चीज़ हमारी कल्चर अप्रिशिएट नहीं करती वो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे इंशाल्लाह। चले हम बाइक के पास तकरीबन पहुंचने वाले ही हैं, फिर थोड़ी आगे दोबारा मिलते हैं। अच्छा जी, तो हम कर रहे हैं आज का व्लॉग फिनिश। हमने बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर लिया, पिक्चर्स खींच लिए, स्टेटस बना लिए, पोइट्री कर ली, गपशप लगा लिया, गपशप मारी और इसके साथ साथ इलाका भी देख लिया, खूब इंजॉय कर लिया। अब अवेश भाई का काम है, इन्हें दोबारा क्लासेस मैंने वापस आना है, इसलिए हम अपने व्लॉग को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं।